कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, क्या आपको कंफर्म हुआ है कि उसी कैंडिडेट को वोट गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जब भी सवेरे वोटिंग के लिए मेरे शिवाजी नगर क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ पर मैंने जिसको वोट दिया है वो वीपैड स्लिप पे उसका कागज़ चिट्ठी दिखाई दी कि मैंने जिसको वोट दिया है वही वहाँ पर दिखाई दिया है। पर अभी ये शुरुआत है, दोपहर के बाद और भी स्पष्टता आ जाएगी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ईवीएम ठीक चल रहा है, उसमें कोई माइल फंक्शनिंग नहीं है, ये सब चीज़ें दोपहर तक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। शुरुआत तो ठीक लग रही है। सर, मतदाताओं से आप क्या आह्वान करेंगे? मतदाता तो मैं यही कहूँगा, बारिश होने के बावजूद थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स है, कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं जाने के लिए कीचड़ है, ये सब ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तकलीफ तो ज़रूर है, पर इससे आगे बढ़कर देश की और महाराष्ट्र की खास करके हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए जाकर वोट कीजिए और अपना वोट बिल्कुल जिसको आप पसंद करते उसको वोट दीजिए। सर, ओवरऑल सिचुएशन किस तरह से है पूरे स्टेट में? अच्छा है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, मेहनत का फल निश्चित तौर पर मिलेगा, लोग कन्विंस्ड हैं हमारी भूमिका बारे में। उम्मीद करता हूँ कि पूरे राज्य भर में, नांदेड़ में और राज्य भर में हमें कामयाबी मिलेगी। बारिश की वजह से पोलिंग परसेंटेज मुतासर होने के चांसेस, वही थोड़ा डर लग रहा है कि वोटिंग पे असर ना हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लोगों को बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए और बारिश की है यहाँ हर जगह, पता नहीं कहाँ, पर नांदेड़ में तो बारिश हो रही है, इस वक्त धीमी बारिश है, छोटी कम बारिश है, ऐसे भी हालत में लोग निकले और अपना मतदान का, वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करें।